देखो ये शीट जो आपको प्रिंट आउट मिली है, बुकलेट के अंदर भी दूंगा मैं इसको लगा के, वैसे आज सिर्फ टाइम पर उसके लिए टाइम के लिए दिया आज के लिए। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आता है, बोर्ड में आता है, हाइगन प्रिंसिपल के ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, आप डायग्राम ड्रॉ करें, अगर वो वेव फ्रंट प्रिज्म के अंदर से पास करे तो बाहर निकलता हुआ वेव फ्रंट कैसा दिखेगा। तो आपने ड्रॉ करना होता है, ये आने वाला वेव फ्रंट है प्लेन, इसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है और ये बेंड हो जाती है, सबको पता है लाइट बेंड होती है प्रिज्म में, रिफ्रैक्शन, तो वेव फ्रंट भी टेढ़ा हो जाएगा, तो ये जाने वाला वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये फिगर आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आएगा तो ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर हम इसमें लेंस लें, एक लेंस लें, लेंस में आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, लेंस में अगर प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और लेंस में रेज ऑफ लाइट क्या होती हैं, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज हो गई, तो वेव फ्रंट की शेप क्या होगी? वेव फ्रंट की शेप ये होगी। क्यों होगी? क्योंकि रेज और वेव फ्रंट में एंगल हमेशा 90 होता है, इसलिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ये वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? दो दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, अगर एक मिरर है, रेज आ रही है सीधा, वेव फ्रंट सीधा आ रहा है, रेज टकरा के कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, तो वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, ताकि रेज और वेव फ्रंट में एंगल क्या होगा? 90। तो आज जो आपको शीट दी है उसके अंदर आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि आपको करना है। ठीक,